हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बालाजी योगी में। मैं डॉक्टर योगी सिंह आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। उस बार वीडियो में मैं लाया हूँ टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम ही जाल से है वैसे, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। बात कर लेते हैं पूरी। पहले हम लेते हैं, एक डायग्राम बना लें जिससे हमें आइडिया हो जाएगा। ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें बीच बीच में पोर होते हैं, न्यूक्लियर पोर। ठीक, इस मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, ये मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकली रहती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके जो पास की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें कुछ पार्टिकल्स लगे रहते हैं बाहर की तरफ, ग्रेनुलाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, उनको कहते हैं हम, ठीक है, राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम। ठीक, ओके। यदि राइबोसोम की एक स्ट्रक्चर को देखें हम, तो राइबोसोम के किस प्रकार होंगे, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, नीचे बना देता हूँ। स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। ठीक है, और ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन। ओके, इस पर यहाँ पर जो प्रोटीन पाई जाती है, एक प्रोटीन है राइबोपोरिन। राइबोपोरिन जो प्रोटीन है उसके द्वारा राइबोसोम बाइंड रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं उसको कहते हैं हम RER, क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जिस पर राइबोसोम नहीं होते हैं उनको कहते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पर एक पोर भी होगा। ओके, ये बात हमारी बात कर ली हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, तो हमने थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करी, अभी हम बात करते हैं अब पहले हिस्ट्री की। हिस्ट्री की बात करें तो इसमें एक साइंटिस्ट है आपके पोर्टर। पोर्टर जो साइंटिस्ट हैं, ये क्लाउड एंड फॉलन, जो फॉलन नाम के दो साइंटिस्ट और इनके साथ, इन्होंने मिलकर के क्या किया था, ऑब्जर्व किया था सबसे पहले किसको, ER को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम पोर्टर। पोर्टर ने क्या दिया था, टर्म दिया था, शब्द दिया था। टर्म क्या दिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और बात करते हैं पोर्टर के साथ एक साइंटिस्ट और हैं, इनका नाम है थॉमसन। थॉमसन ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर के सबसे पहले डिस्कवर किया था इसे, डिस्कवर्ड ER। ठीक है, डिस्कवर्ड ER। अब देखते हैं, अब अक्रेंस की बात करते हैं, अक्रेंस की बात कर लेते हैं। अक्रेंस किस किस में होगा, ये पाई जाएगी आपकी सभी प्रकार की ऑल कैरियोटिक सेल जो होती हैं। ठीक है ना, जिनमें न्यूक्लियस होता है, तो इन ऑल यू कैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यू कैरियोटिक सेल यानी जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं सभी के अंदर ये पाई जाएगी, और आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें एब्सेंट होती है। ठीक है, वो भी बात यहाँ लिख देते हैं, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, अच्छा, किन में पाई जाती हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, उन सेल्स में पाई जाती हैं जो हाईली एक्टिव होती हैं। कैसी होती हैं, हाईली एक्टिव सेल, एक्टिव सेल्स। ठीक है ना, हाईली एक्टिव सेल्स में, तो कौन सी हाई, एक तो लिवर सेल है, लिवर सेल्स में, और पैंक्रियाटिक सेल। ठीक है, इनमें मिलेंगी। और आपका एक जगह और है, इन स्पर्मेटोसाइट, साइट में से होती है सेल, स्पर्म का निर्माण करने वाली सेल। ठीक है, जर्मिनल सेल्स हैं,
टेस्टिस के अंदर। इस पर मेटोसाइट्स में क्या होता है, ये एक फॉर्म में पाई जाती है, फॉर्म ऑफ वेसिकल, यानी कुछ वेसिकल्स की फॉर्म में मिलेंगी, फ्यू वेसिकल, ठीक है, वेसिकल्स, ठीक है, के फॉर्म में मिलेंगे स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। ठीक है, कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट की बात करें, ये तीन से मिलकर बना हुआ है, एक है सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी क्या, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब्स की, अनब्रांच्ड, अन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और बात कर लेते हैं ट्यूबुल्स की, ट्यूबुल्स ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रांच्ड, ठीक है। और वेसिकल, वेसिकल राउंड स्ट्रक्चर, राउंड हो सकती है और ओवल भी हो सकती है, ठीक है, ओवल स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ से जो वेसिकल्स निकलती हैं आर ई आर से या एस ई आर से, तो वेसिकल्स किस फॉर्म में निकलेंगी, बड लाइक स्ट्रक्चर में निकलेंगी, ये बड सेपरेट हो जाएगी तो ये वेसिकल कहलाएंगी, ठीक है ना। ओके, तो ये आपकी तीन आपके कंडीशन हो गई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, कंपोनेंट्स हो गया हमारा, हम इसके बाद बात करेंगे डिफरेंस की यूकेरियोटिक एंड सॉरी आपकी आपकी आर ई आर एंड एस ई आर के डिफरेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, एक तरह लिख लेते हैं आर ई आर, आर मीन्स क्या है, रफ, रफ एंडोपेलाजी रेटिकुलम, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं एक हल्का सा। और क्या है एस ई आर, एस मीन्स क्या है, एस मीन्स है आपका स्मूथ, स्मूथ, ठीक है, स्मूथ, दोनों की बात कर लेते हैं। देखिए आर ई आर रफ इसलिए है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाए जाते हैं राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है, जो राइबोसोम की मैंने यहाँ बात करी थी, ठीक है। तो राइबोसोम जो होते हैं अटैच होते हैं किससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसके कारण ही ये कहलाती है आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि राइबोसोम एबसेंट होते हैं, राइबोसोम एबसेंट होते हैं, इस कारण ये स्मूथ हो जाती है, कैसे हो जाती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक ये बात हो गई, राइबोसोम के कारण ही हम इसको क्या कह सकते हैं, ग्रेनुलर, ग्रेनुलर लेयर होती है आउटर, जो इस जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आप देखें बाहर की तरफ ग्रेनुल्स हैं, ठीक है ना, तो इससे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होगी। ये कैसी होगी, क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं है, इसे कहलाएगी ए ग्रेनुलर, ठीक है। अच्छा जी, और बात कर लेते हैं, देखिए और बात करते हैं राइबोसोम की बात कर लेते हैं। तो राइबोसोम की मैंने यहाँ क्या बताया था, कि यहाँ बताया कि राइबोसोम जो होता है आपकी लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट लगी रहती है। देखिए तो लार्ज सब यूनिट जो है वो जुड़ी रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और स्मॉल होती है आउटर साइड में, ठीक है। और क्या है, पोर, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट होगा, राइबोपोरिन और पोर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये दोनों ही एब्सेंट होंगे, ठीक है, दोनों ही एब्सेंट होंगे। अच्छा, तो जो राइबोप्रोटीन है वो वास्तव में प्रोटीन है क्या, वो ग्लाइकोप्रोटीन है, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, हम बताएंगे आपको ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो ये बात हमारी यहाँ भी होगी। हम बात करते हैं सिस्टर्नी की, इसमें सिस्टर्नी की मात्रा ट्यूबुल से ज़्यादा होगी, और इसमें बात करें ट्यूबुल्स की मात्रा, ट्यूबुल्स की संख्या वेसिकल से ज़्यादा होगी, ठीक है, वेसिकल से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कनेक्शन की, तो देखिए यहाँ देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एंडोप्ला किससे जुड़ा हुआ है, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, किससे जुड़ रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे अब वन साइड कनेक्टेड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अदर साइड किससे होगा, कनेक्टेड टू रफ एंडोप्लाज्मिक, एक तरफ जुड़ रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और एक तरफ किससे जुड़ेगा, एसीआर से, टू एसीआर, ठीक है। इधर बात कर लें फाइव नंबर पर,
यहाँ देखें, एस ई आर एक तरफ किससे जुड़ा है, वन साइड जुड़ रहा है आर ई आर से, ये तो क्लियर हो गया आर ई आर से। लेकिन अदर साइड की बात करें, अदर साइड किससे कनेक्ट होगा, ये जो कनेक्ट होता है क्या होता है कि इसकी कुछ आउट ग्रोथ जो है किससे किससे कनेक्ट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होता क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर क्या होती है, सेल वाल, सेल वाल। तो सेल वाल जब दो सेल सेल वाल के बीच में क्या होता है, बीच में होता है पोर, क्या होता है पोर, आप जानते हैं सेल वाल के बीच में पोर होते हैं, ठीक है, उस पोर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ निकल जाती है बाहर की तरफ, इस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बाहर की तरफ निकल जाती है, तो इसको कहते हैं प्लाज्मो डेस्मेटा। इसी प्लाज्मो डेस्मेटा में कुछ पार्ट आपका एस ई आर का और कुछ पार्ट आपका आर ई आर का आता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं जो बाहर इधर की तरफ निकला रहता है, उसको हम कहते हैं डेस्मोटिब्यूल्स, क्या कहते हैं, डेस्मोटिब्यूल्स कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें डेस्मोटिब्यूल्स किसको कह रहे हैं, आर ई आर और एस ई आर के पार्ट को जो प्लाज्मो डेस्मेटा के अंदर आता है उसको, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे किससे कनेक्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है, ठीक है, एक ये बात होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कि इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन बात बात कर लेंगे, किस में पाई जाएगी ये बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा जो होगी किस में होगी, रिच इन लिवर सेल और पैंक्रियाटिक सेल्स में, इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा होगी। यहाँ बात करें सिक्स नंबर, रिच किस में होगी, यानी ये सबसे ज़्यादा मात्रा किस में पाई जाएगी, हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये पाई जाएगी आपकी उन सेल्स में जिनमें लिपिड का सिंथेसिस होता हो, यानी रिच इन एडिपोज टिश्यू, एक किस्म होगी, और किस्म होगी रेटिनल सेल्स में, रेटिनल सेल्स में मिलेगी, और किस मिलेगी मसल सेल्स में, मसल सेल्स में। इसको एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देते हैं मसल सेल्स में, ठीक है, बात अभी बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन की, किसकी, फंक्शन की, फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन इसका है प्रोटीन सिंथेसिस, क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, क्यों, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस लिए, क्योंकि राइबोसोम बाइंड होते हैं, ठीक है, और इसके आगे बताएंगे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है वो भी बता देंगे, ठीक है। तो पहला फंक्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस किसके लिए, इसकी प्रोटीन एंजाइम भी होते हैं, तो यहाँ देखिए किस किस के लिए प्रोटीन बनाती है, लाइसोसोम के लिए भी, लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं उनके लिए भी आपका प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो लाइसोसोम मल प्रोटीन कह दें आप या एंजाइम्स कह दें, ठीक है, लाइसोसोमल प्रोटीन्स हो जाएगी, और क्या होंगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन होंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन होंगी, और कौन सी प्रोटीन होंगी, सेक्रेटरी प्रोटीन होंगी, सेक्रेटरी प्रोटीन होंगी, ये उसका निर्माण करेंगी, ठीक है। इधर क्या है, इधर नंबर वन रखें तो देखिए फैट, ऑयल और स्टेरॉइड्स सिंथेसिस में, और नंबर टू लें ग्लाइकोजिन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजिन मेटाबॉलिज्म का मतलब होगा जहाँ ग्लाइकोजिन की क्रिया चलती है, ठीक है, ग्लाइकोजन से संबंधित, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे दे रहे हूँ, एक ग्लाइकोजिनेसिस यानी ग्लाइकोजिन का निर्माण होना, ठीक है, और किसमें है माइक्रोबॉडीज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, फॉर्मेशन, तो माइक्रोबॉडीज का जो फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन माइक्रोबॉडीज फॉर्मेशन जो है, कौन कौन सी माइक्रोबॉडीज हैं, एग्जांपल ले लीजिए आप, देखिए ग्लाइऑक्सीसोम भी है और भी हैं, जैसे स्पेरोसोम, इनका निर्माण होता है, ठीक है। और क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फोर नंबर पर,
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जीनोबायोन्टिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जैसे कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, वो एल्कोहल है, एल्कोहल ठीक है ना, और क्या ड्रग्स भी हैं। एल्कोहल ड्रग्स जो हैं जीनोबायोटिक हैं, इसके लिए आवश्यक क्या होता है, नीड होती है आप, एक तो नीड होती है साइटोक्रोम P450 की, इसकी आवश्यकता होती है। और किस में होती है, ये लिवर में, लिवर से जो सेल्स होती है उसमें जीनोबायोटिक होती है, यानी जो एल्कोहल पीते हैं उनका लिवर, जब ड्रग्स से जाकर लेते हैं उनका लिवर ख़राब हो जाता है, और लिवर ख़राब होने के कारण डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, ठीक है ना। ओके, ये चीज़ है। ओके, तो आपका एक लास्ट, और इसका मसल्स कंस्ट्रक्शन, मसल्स कंस्ट्रक्शन जब अभी बात करी थी मैंने, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोवाइड कराती है कैल्शियम, कैल्शियम रिलीज करती है जिससे मसल्स एक्टिवेट होती हैं, ठीक है ना, कैल्शियम के कारण। वो प्रोसेस आपके बाद फिजियोलॉजी में बताएंगे। तो ये आप ओके, यहाँ पर देखिए नंबर 2, प्रोटीन मॉडिफिकेशन। प्रोटीन मॉडिफिकेशन में क्या है, ये ले लीजिए नंबर 1 कि आपका है, आपका एक पहला होता है कि ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन देखिए ग्लाइकोसाइलेशन में क्या है कि प्रोटीन से जब कोई आपकी ऑलिगोसैकेराइड चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन, सॉरी पॉलीसैकेराइड चेन जुड़ती है, तो वहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन वर्ड बोला जाता है, ठीक है ना, ग्लाइकोसाइलेशन वर्ड बोला जाता है, इसलिए बोलते हैं ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है, ग्लाइको प्रोटीन। तो ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन से जुड़ना, ठीक है। और एक फंक्शन और है, प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग मतलब हो गया कि जब प्रोटीन बनती है, चाहे आपकी क्या कह सकते हैं आप, साइटोप्लाज्म बने या किसी में बने, तो प्रोटीन गलत बाइंड हो जाती है, सही उसकी बाइंडिंग होती, क्योंकि प्रोटीन में जो होते हैं अमीनो एसिड होती है, अमीनो एसिड आपस में बाइंड करते हैं, कौन कौन से बाइंड करते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है आपका, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है, वंडर बॉल्स भी होता है, कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं। तो इस बॉन्ड की यदि प्रॉपर जगह पर बाइंडिंग नहीं होती है तो वो इनकरेक्ट प्रोटीन है या इनकरेक्ट फोल्डिंग प्रोटीन है, ठीक है ना। तो उसको करेक्ट पोजीशन पर बाइंडिंग कराने के लिए जरूरत होती है प्रोटीन फोल्डिंग। तो ये होता है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER के अंदर वाई चैपरॉन, चैपरॉन एक नाम का उसमें प्रोटीन है, ठीक है ना, उसके द्वारा होती है। तो ये आपकी फंक्शन की हमने बात कर ली, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम कुछ पॉइंट और हैं जो कंपटीशन में आते हैं उसकी बात कर लें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ बॉडी में ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसी सेल्स हैं जिनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो हम उन्हीं की बात कर लेते हैं। देखिए रेटिनल सेल्स जो होती है उसके अंदर जो आपकी SER है वो एक नाम से जानी जाती है, उसको कहते हैं हम माइंडली लॉयड बॉडी, नॉन एच, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। ये होगी सेल, इन सेल कर देते हैं, ठीक है ना, और ये होगी आपकी ER। ER का कौन सा पार्ट्स है उसकी बात करते हैं, ठीक है, ER पार्ट्स। तो रेटिना सेल्स के अंदर, रेटिना सेल्स के अंदर SER को कहते हैं माइलॉयड बॉडी, ठीक है। नंबर 2 ले लीजिए, नंबर 2 में आप ले लीजिए नर्व सेल, नर्व सेल्स, नर्व सेल्स में हम RER को कहते हैं, कंपटीशन बहुत आता है इसके सवाल, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, नेसल्स आपका ग्रेन्यूल्स इस नाम से जानी जाती है, ठीक है, कभी कभी आ जाता है। निसल्स ग्रेन्यूल्स किसके बने होते हैं, RER के, ठीक है। नंबर 3 ले लीजिए आप, निसल्स ग्रेन्यूल्स हो गया, नंबर 3 ले लीजिए मसल सेल, मसल्स सेल, मसल सेल्स में जो आपका मैंने बताया था कि SER जो होता है क्या कहलाता है, ये कहलाता है सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम जो मैंने यही बात कही थी अभी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक और रहेगा आपका नंबर 4, आपका प्लाज्मोडेस्मेटा की बात कर लेते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा
प्लाज्मो डेस्मेटा, प्लाज्मो डेस्मेटा में क्या है, RER और SER दोनों होते हैं और दोनों मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं डेस्मो ट्यूबुल्स का निर्माण करते हैं। तो ये कभी कभी कंपटीशन में इसके बारे में भी आ जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो अब चलते हैं, एक मैं फंक्शन को थोड़ा और एडवांस करना चाह रहा था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ वीडियो, ठीक है। तो अभी हमने लेक्चर लिया था, वीडियो का वीडियो बनाया था उसका, ठीक है। उसमें हमने फंक्शन और वगैरह सभी की बात कर ली थी। हम थोड़ा चाहते हैं डिटेल में हम फंक्शन की भी बात करें, इसलिए थोड़ा सा एक छोटी अलग सी वीडियो है एनिमेशन टाइप की। तो इसमें देखें आप, पहले हम लिख लेते हैं सेक्शन काटते हैं TS, और TS सेक्शन में से फिर टाइपिंग सेल निकालते हैं, ठीक है। और टाइपिंग सेल में से हमारा काम क्या है, आज वीडियो है एंड ब्लैंक रेटिकुलम की। तो हम इसमें से जो आपके सभी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल, मैक्रोप्लाज्म, गोल्जी वॉडी, न्यूक्लियस, एंड ब्लैंक रेटिकुलम, इसमें से केवल एंड ब्लैंक रेटिकुलम ही की बात करेंगे, ठीक। तो एंडोब्लाइंग रेटिकुलम को निकालेंगे तो देखेंगे इसमें ये एंडोब्लाइंग रेटिकुलम किससे बाइंड रहती है, न्यूक्लियस से एक तरफ, ठीक है ना, और दूसरी तरफ वास्तव में होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो हम इसमें एंडोब्लाइंग रेटिकुलम दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक रफ एंडोब्लाइंग रेटिकुलम जिसमें आपकी राइबोसोम बाइंड रहती है, और दूसरा स्मूथ एंडोब्लाइंग रेटिकुलम, ठीक है ना। तो आप देखें जिसमें राइबोसोम बाइंड है वो रफ एंडोब्लाइंग रेटिकुलम, जिसमें नहीं है स्मूथ एंडोब्लाइंग रेटिकुलम है, ठीक है। और एंडोब्लाइंग रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, ल्यूमन यानी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं फंक्शन की, ठीक। फंक्शन में देखें प्रोटीन सिंथेसिस इन एंड लिंक ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन फोल्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जीवाणु एंड सबस्टेंसेस। ये हम कुछ आपके फंक्शन लिए हैं, ठीक। तो इसमें पहला फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में होता यह है कि मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से बाइंड करता है साइटोप्लाज्म में, फिर वहाँ से एक छोटी सी पेप्टाइड चेन बनती है जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो पेप्टाइड चेन बनती है जिसमें अमीनो एसिड बाइंड हो जाते हैं, ओके। और ये अमीनो एसिड के लास्ट जो पार्ट होता है, जो ये मैंने येलो कलर का शो करा है, तो ये आपका क्या है, सिग्नल सिक्वेंस। सिग्नल सिक्वेंस जो होते हैं 15 से लेकर 35 आपके अमीनो एसिड के बने होते हैं, जिसके लास्ट जो सिक्स नॉन पोलर अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, लास्ट से सिक्स जो होते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़े से दिखाए क्योंकि ज़्यादा नहीं दिखा सकता था, ठीक। खैर, तो इसमें जो लास्ट टर्मिनल साइट होती है वो होती है जहाँ पर आपका सिग्नल सिक्वेंस होता है, एन टर्मिनल साइट, ठीक है। होता क्या है कि ये एन टर्मिनल साइट जो है यानी सिग्नल सिक्वेंस से बाइंड करता है SRP, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, ठीक है। जैसे इसे बाइंड करता है उसके बाद क्या होता है कि ये मूव करते हुए आते हैं रिसेप्टर साइट पर। जैसे ये रिसेप्टर साइट पर बाइंड करती है राइबोसोम, उसी दौरान क्या होता है SRP आपका रिमूव कर जाता है, ठीक। और ये अटैचमेंट हो जाता है रिसेप्टर से, ठीक है। इसके बाद जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन अंदर एंट्री करती है, ठीक, उसी दौरान क्या होता है कि इसका इलोंगेशन होता है, एंट्री के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड चेन का इलोंगेशन होता है, ठीक है। और उस दौरान क्या होता है कि जो आपका सिग्नल सिक्वेंस था ये आपका क्लीव हो जाता है, रिमूव हो जाता है वहाँ से, ठीक है। रिमूव होने के बाद पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इलोंगेट करती रहती है जब तक कि मैसेंजर पूरी तरह से आपका ट्रांसलेट ना हो जाता, ठीक है। इसी दौरान क्या होता है कि इस पर शुगर मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, जैसे कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, जो आगे बताएंगे हम, ठीक है ना। तो ग्लाइकोसाइलेशन भी हो जाता है इसी दौरान, और पॉलीपेप्टाइड आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है लीवन के अंदर। उसी दौरान क्या होता है कि जो और राइबोसोम होते हैं पीछे से, वही सुकेंद पॉलीराइबोसोम वाली कंडीशन, ठीक है, वो बैंड करते हुए पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है कि लास्ट जब खत्म हो जाता है मैसेंजर आरएनए, तो ये आपके पॉलीपेप्टाइड लीवन में छोड़ दी जाती है जहाँ इसका फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है। फोल्डिंग की भी बात करेंगे कुछ समय बाद, ठीक है, अगले फंक्शन में। तो फोल्डिंग होने के बाद क्या होता है कि ये आपका फिर जो एंडोब्लाइंग रेटिकुलम है इसमें क्या होता है कि बट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, ये आपका उससे क्या होता है इविजिनेशन द्वारा। और ये एक वेसिकल का निर्माण होता है, जिस वेसिकल के अंदर क्या होता है कि जो आपकी ग्लाइको प्रोटीन जो बनी गई थी, ग्लाइको इसलिए बनाए क्योंकि ग्लाइकोलाइसाइलेशन हो गया था प्रोटीन का, तो ग्लाइको प्रोटीन बनती है, ये वेसिकल जो अलग होकर के गोल्जी बॉडी में जा करके फ्यूज हो जाती है, ठीक है। आगे फंक्शन में आगे की क्रिया गोल्जी बॉडी में संपन्न होती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। अब बात करते हैं हम सेकेंड की। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में जो फंक्शन है हमारा वो है एनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या है कि इसमें जो ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस है उसमें एक बहुत बड़ी आपकी ओलिगो चेन बनती है, ओलिगो पॉलीसेक्राइड चेन यानी पॉलीसेक्राइड चेन, ठीक है। इसमें ये जो बनती है इसमें ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल्स और मेनोज जो आपका मोनोसेक्राइड्स है इसके 9, और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन जो है इसके 2 आपके मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होती है स्टार्ट होती है मेम्ब्रेन की, पर कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म की तरफ, ठीक है। तो याद रखें जो एन
ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो स्टार्ट तो होता है साइटोप्लाज्म की तरफ और उसका अंत जो होता है, एंड जो होता है वो लीवन के अंदर होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो एक मेम्ब्रेन की जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन पर एक डोलिकोल नाम का कंपाउंड होता है जो बाद में क्या होता है 75 से लेकर के 95 लॉन्ग कार्बन चेन होती है जो क्या रहती है पॉली आइसो प्रिनोइड लिपिड होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होती है, ये मेम्ब्रेन पर होती है आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ठीक है, इस पर क्या होता है सबसे पहले बाइंड करते हैं दो फॉस्फोरस यानी पायरो फॉस्फोराइल। ठीक है, जब दो आपके बाइंड कर जाते हैं फिर इसके बाद ऊपर बाइंड करते हैं आपके आपके एन एसिटाइल ग्लूकोसैमिन। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसैमिन बांध करते हैं तो आप देखेंगे। ठीक, अभी इसके बांध करने के बाद क्या हुआ कि आपके अगली चेन में क्या होता है कि इसके बांध करने के बाद होते हैं मैनोज एडिड होती है। किसकी, फाइव मैनोज, मैनोज जो है फाइव पहली रिएक्शन में एड हो गए हैं लेकिन एक आपका एंटीबायोटिक भी है तीनों के माइसिन, इस ये क्या करता है मैनोज बाइंडिंग को रोकता है, ब्लॉक करता है। ठीक है, जिससे ऑली जो पॉलीसेक्राइड चेन है उसका निर्माण नहीं होता। ठीक है, आगे की बात करें हम। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाती है फाइव मैनोज वाली चेन, ठीक है, तो ये क्या होता है इसका रीओरिएंटेशन होता है। रीओरिएंटेशन मतलब घूमना होता है। ठीक है, उसके दौरान क्या होता है कि जब ये घूमती है तो ये अंदर की तरफ टर्न हो जाती है। देखिए आप, ये अंदर टर्न हो गई। ठीक है, ये कहता है रीओरिएंटेशन। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसके पास में जो एक एस्पारजिन रेजिड्यू होता है जिसमें क्या होता है आर्सेनिक होता है और कोई भी अमीनो एसिड और सैटर्न 309 होता है। ठीक है, तो होता क्या है एक्स का मतलब कोई भी अमीनो एसिड, किसको, प्रोलिन को छोड़ करके कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होती है आपका एस्पारजिन रेजिड्यू। ठीक है, इस पर ट्रांसफर होने के लिए ये होती है। ठीक है, कौन सी, ओरिगो जो पॉलीसेक्राइड है ये ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो आप देखें इसके बाद क्या होता है फोर अमीन आपका मैनोज कंपाउंड और जुड़ते हैं। ठीक है, एंड टोटल हो जाते हैं 9। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि आपके 3 ग्लूकोज और जुड़ते हैं। इस प्रकार पूरी कंप्लीट हो जाती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसैमिन के 2 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं और मैनोज के हो जाते हैं आपके 9 और ग्लूकोज के हो जाते हैं 3। तो ये पूरी कंप्लीट बनती है ओलिगो सैकेराइड चेन। ठीक है ना, जिसमें टोटल 14 सैकेराइड्स होते हैं, ग्लूकोज 3, मैनोज 9 और एन एसिटाइल ग्लूकोसैमिन 2। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि इसमें से जो ऑलिगोसाइड चेन ट्रांसफर होती है किस पर, एस्पारजिन रेजिड्यू पर। आप देख लें ट्रांसफर होकर कहाँ पहुँच गई, डोलिकोल से लेकर के पहुँच ट्रांसफर हो गई है। ठीक है ना, कहाँ, एस्पारजिन रेजिड्यू पर। ठीक है, तो यहाँ जैसे पहुँचती है तो ये होता क्या है कि ये एक एक्टिवेट ग्लूकोज होता है, ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो ऑलिगोसैकेराइड चेन है वो कम्प्लीट तैयार हो चुकी है। ठीक है ना, तभी जब ग्लूकोज चेन बन जाती है 3 आ जाते हैं तभी ये आपका ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ग्लूकोज आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक आपके 3 मॉलिक्यूल्स आपके रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है वन मैनोज भी आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट तैयार हो जाती है आपका चेन ट्रांसफर होने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन की, ग्लाइकोसाइलेशन जो फंक्शन है उसका वर्क क्या है। देखिए, ये तो ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है आप जानते हैं कि जिस पे मैंने पीछे बताया ग्लाइको प्रोटीन वर्ड बोलते हैं, जब प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है तो इसमें पहला दिया हमने कि ऑलिगोसैकेराइड चेंज की जरूरत पड़ती है प्रॉपर फोल्डिंग के लिए ईआर के अंदर, हम प्रोटीन फोल्डिंग की बात करेंगे आगे। ठीक है, और क्या है ग्लाइको प्रोटीन जो होती है वो एंटीजन होती है, एंटीजन की तरह जो एंटीजन होते हैं ग्लाइको प्रोटीन होती है, आप देखें जिसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी होता है उसकी जो बेसिक चेन होती है वो ग्लाइको प्रोटीन होती है। ठीक है, एच प्रोटीन, एच एंटीजन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद करते हैं ग्लाइकोजन पार्टिसिपेट इन सेल्स एंड एडिशन, हम सेल्स एंड एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, उस सभी प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें भी आपको ग्लाइको प्रोटीन्स की चेन्स होती हैं जो सेल सेल एडिशन में यूज होती हैं। ठीक है, हेल्प करती हैं ग्लाइकोसाइल जो प्रोवाइड द एसिडिलिटी ऑफ टू प्रोटीन्स अगेंस्ट प्रोटीएज एक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ग्लाइकोसाइलेशन जिस प्रोटीन का हो जाता है उसमें प्रोटीएज जो एंजाइम्स हैं वो अटैक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है। थर्ड है प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग में हमने बात करी थी अभी ग्लाइकोसाइलेशन की पिछली वीडियो में, उसमें नंबर 1 पर। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस की बात करी थी तो ये प्रोसेस वहाँ तक तो हम कंप्लीट थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आपका एक मैट्रिक्स के अंदर आपका जो मैट्रिक्स है या ल्यूमन है उसके अंदर एक प्रोटीन होती है चैपरोन प्रोटीन। ठीक है ना, जिसको हम अलग अलग नाम से कहते हैं एच एस पी माने हीट शॉक प्रोटीन। ठीक है, CTO70 पाई जाती है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो कैल्शियम बाइंडिंग हैं जैसे लेक्टिन्स हैं,
इसके एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं, ठीक है, कैलेनैक्सिन है और कैरेटिक्यूलिन है, ठीक है। तो ये जो होती हैं ये आपका चेपरोने हैं, इनको हम बी आई टीप के नाम से भी जानते हैं, बी फॉर बॉल, ठीक है। तो ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इसके दो बैरल शेप के चेपरन होते हैं, चेपरन में तो क्या होते हैं, दो बैरल शेप की प्रोटीन होती हैं, वो अपोजिट अपोजिट होते हैं दूसरे के, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो प्रोटीन बनी है इनकरेक्ट फोल्ड होती है, जो आपकी बनी होती है उसका करेक्ट फोल्डिंग करने के लिए चेपरन का प्रयोग होता है, ठीक है। ये प्रोटीन जो इनकरेक्ट प्रोटीन है, ठीक है, फोल्डिंग प्रोटीन है, वो क्या होती है, वो इंटर करती है आपका चेपरन के अंदर, फिर इसके ऊपर एक कैप आता है, ठीक है, फिर इस प्रोटीन को खोला जाता है, ठीक है। ये प्रोटीन पूरी तरह से खुल जाती है, इसके अंदर जो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड वगैरह होते हैं सब ओपन हो जाते हैं, फिर इसका दोबारा सही पैटर्न में फोल्डिंग की जाती है, पहले ओपनिंग की जाती है, इसके बाद फिर फोल्डिंग की जाती है। जब सही फोल्डिंग हो जाती है तो करेक्ट फोल्डिंग प्रोटीन बन जाती है, और इसके बाद ये एक एनर्जी एटीपी का यूज़ होता है मॉलिक्यूल्स का, उसके द्वारा कैप रिमूव हो जाता है, और जो प्रोटीन है फोल्डिंग सही पैटर्न में जो प्रोटीन हुई है, प्रॉपर फोल्डिंग हुई है, वही प्रोटीन रिमूव हो जाती है। फिर आगे के प्रोसेस वही कि आपका ये वेसिकल्स के माध्यम से रिमूव की जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। या फिर हो गया आपका प्रोटीन फोल्डिंग। इसके बाद बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। वास्तव में होता क्या है कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं वो साइटोप्लाज्म में नहीं बन पाते, ठीक है, कहाँ नहीं बन पाते, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्यों नहीं बन पाते, इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि साइटोप्लाज्म का जो वातावरण होता है वो रिड्यूसिंग वातावरण होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट होता है, जिस जो क्या करता है, जो 16 रिजिड्यू पाए जाते हैं, ठीक है ना, वो रिड्यूस कंडीशन में ही रहते हैं, ठीक है, इसलिए इनका डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन पाते, ठीक। तो होता क्या है कि जो आपकी प्रोटीन्स हैं वो उसको ल्यूमन में भेजा जाता है, एंडोप्लाज्म के ल्यूमन में, जहाँ पर क्या होता है कि इनकी डाइसल्फाइड जो होते हैं उनका निर्माण होता है, ठीक है। तो किसे नाम से प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, ठीक है, इसके कारण। बैक्टीरिया में बात करें तो डाइसल्फाइड जो बनते हैं वो बनते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेज में, ठीक है, पेरीप्लाज्मिक स्पेज में बनते हैं। तो ये बात होगी हमारी इसकी। तो ये पॉइंट यहाँ के ये कुछ पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट्स हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड साइटोप्लाज्म में ना बनने का कारण क्या है, ठीक है, और वो कहाँ बनते हैं, बकरवाल, ठीक है, क्यों साइटोप्लाज्म में नहीं बनते, ठीक। तो जितनी साइटोप्लाज्म प्रोटीन होती है उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होते, उनका होल डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब प्रोटीन चली जाती है तब, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड बाय एसईआर, ठीक है। इसमें ये बात है कि जो लिपिड का निर्माण होता है मेम्ब्रेनस लिपिड का, वो होता है दो कंपाउंड से, एक तो है आपका नंबर वन पर दिया ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट और फैटी एसिड से, ठीक है। फैटी एसिड कौन सा, फैटी एसाइड को एंजाइम, ठीक है, इन दोनों से ही आपका लिपिड का निर्माण होता है, ध्यान रखें, ठीक है। कंप्लीशन में आता है कि किससे बनता है, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट एंड फैटी एसाइड को एंजाइम से, ठीक है। ये दोनों बाइंड करते हैं, दो फैटी एसिड बाइंड करें तो बनता है फॉस्फेटाइटिक एसिड, फॉस्फेटाइटिक एसिड। तो एक चीज़ यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जो मेम्ब्रेन होती है इस कौन सी एसीआर की मेम्ब्रेन की हाफ आधे आधा बाहर की तरफ यानी मिडिल से बाहर ये प्रोसेस होती है, ठीक है ना। यानी जो लिपिड की बाई लेयर होती है, लिपिड जो आपकी, ठीक है, लिपिड की आउटर लेयर होती है, किनारे लेयर होती है, एक मोटे मेम्ब्रेन में, तो जो आउटर लेयर होती है उसके अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, ये मान के चले, ठीक है। तो फिर इसके बाद कहता फॉस्फेटाइटिक एसिड बनता है, यही फिर बनता है, ये कन्वर्ट होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल में, ठीक है। फिर डाई एसाइल ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है आपका फॉस्फेटाइल डाइलकोलिन में, ठीक है। इसके बाद ये एक एंजाइम है स्क्रैम्बलेज, जो क्या करता है, इस लिपिड मॉलिक्यूल जो बन गया है इसको ट्रांसफर करता है किसमें, आपका एंडोप्लाज्म की अंदर की तरफ, ठीक है, वो अंदर की जो लेयर होती है उसमें पहुंच करके ये प्रोसेस आपका बन जाता है लिपिड मॉलिक्यूल्स। और लिपिड मॉलिक्यूल अंदर भेजने में क्या होता है, इससे फ़ायदा ये है कि लिपिड मॉलिक्यूल यदि बाहर ही बनेंगे तो एक लेयर में लिपिड मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी और दूसरी कम हो जाएगी, इसलिए अंदर को ट्रांसफर करके क्या मेंटेनेंस करता है दोनों लेयर में लिपिड लिपिड की क्वांटिटी को, ठीक है ना। जो आपका ये नेक्स्ट होगा 5-6 की बात करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जीनोबाइंड। इसमें क्या है कि जो जीनोबाइंड क्या होते हैं, जो जहरीले तत्व होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जैसे एल्कोहल है, ड्रग्स है वगैरह वगैरह, इसका क्या होता है लिवर में आपका अनुमोदन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ठीक है। तो इसमें एसीआर जो होता है रिमूव द जीनोबाइंड केमिकल इन लिवर सेल, लिवर सेल मीन्स
जो आपकी हिपेटोसाइट सेल्स होती हैं, वो लिवर सेल्स होती हैं, ठीक है, उसमें होता है। तो इसमें एक कंपाउंड है जो बहुत केमिस्ट्री में आता है कंपटीशन में, तो साइटोक्रोम P450 यानी 450। तो इसमें क्या है कि साइटोक्रोम P450 जो है ये कैटालाइज करता है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को, यानी डिटॉक्सिफाई करता है लिवर के अंदर, ठीक है। और ये इसमें एक चीज़ और है कि एक जो इसमें क्या होता है, मॉलिकुलर ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, ठीक है, इसके प्रोसेस। और क्या होता है कि मॉलिकुलर ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, ठीक है ना, वो मिलता है, दिया जाता है NADPH2 से, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन एक्टिवेट हो जाता है, और ऑक्सीजन एक्टिवेशन के बाद फिर इस प्रोसेस में भाग लेता है, ठीक है। तो इसमें और क्या क्या रिएक्शन होती है, डीएमिनेशन होता है, डिसल्फ्यूरेशन होता है, डी एल्कलाइनेशन होता है, हाइड्रोक्सीडेशन होता है, डी हेलोजिनेशन होता है, और ऑक्सीडेशन एक्स्ट्रा प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये आपका, इसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन और गोल्जी बॉडी। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, जैसा कहता है जो प्रोटीन बनती है, ठीक है ना, किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, वो कहाँ जाती हैं, गोल्जी बॉडी का। तो ट्रांसप्लेट होती है और गोल्जी बॉडी के आप से बाइंड करती हैं, फ्यूज हो जाती हैं वहाँ, और फिर आगे की प्रोसीज होती है, कहाँ होती है, गोल्जी बॉडी के अंदर। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन जो आपने ग्लाइकोसाइलेशन जो किया था प्रोटीन का, तो आधी रिएक्शन ग्लाइकोसाइलेशन की किसमें हो रही थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है ना, और शेष प्रोसेस कहाँ होगी आगे की, वो गोल्जी बॉडी के अंदर होगी, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी तक ये ट्रांसफर होती रहती है बेसिकली इसके फॉर्म में, ठीक है। थैंक यू सर, यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ठीक है, थैंक यू।